Hello students, how are you? I think you will be fine at your homes with your parents. बच्चों मैं आज आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहा हूँ. इसका हिंदी में मतलब होता है अलंकार. हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? अलंकार. अलंकार तो अलंकार जो होते हैं इनका यूज़ क्यों किया, कहाँ पर होता है और क्यों किया जाता है? तो बच्चों अलंकार एक प्रकार की ऑर्नामेंटल लैंग्वेज होती है, अलंकृत भाषा जो हमारी जो आम भाषा है उसको सुंदर बनाती है. तो इसका प्रयोग जो आपकी जो पद वाली चीज़ें होती हैं, जो पोएम फॉर्म में होती हैं, उनमें इनका यूज़ होता है लैंग्वेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए. तो जब हम कोई सेंट्रल आइडिया वगैरह करते हैं तो लास्ट में कमेंट्स के रूप में या पोएटिक ब्यूटी के रूप में, काव्य सौंदर्य के रूप में हम इनका यूज़ करते हैं नंबरिंग करके, और इनका बतलाते हैं कि पोएम में कहाँ कहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, किस फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है. इसी प्रकार से जो रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन वगैरह किसी स्ट्रेंजर के करवाते हैं, तो अगर उसमें कोई अलंकार वगैरह आता है, कोई फिगर्स ऑफ स्पीच आती है, तो उसके बारे में भी हम देते हैं डिटेल. तो ये पोएट्री की जो ब्यूटी है उसका एक प्रकार से अंग हो जाता है, जिससे कि हमें जो मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में वो और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं. तो चलिए इसी को लेकर हमारे इसको पढ़ते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच. अगर कोई आपसे जनरल वे में पूछे फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है, तो सीधे आप उससे बोल सकते हैं हिंदी में इसको अलंकार बोलते हैं, और ये किसी भी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल बनाने के लिए इनका यूज़ या ऑर्नामेंटल बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारी लैंग्वेज और ज़्यादा सुंदर हो जाती है. जिस प्रकार से कोई स्त्री गहने वगैरह पहन लेती है तो सुंदर दिखती है, इसी प्रकार से हमारी भाषा के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच अधिक आवश्यक है. तो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे. अब एक एक करके अलंकार देखते हैं. टोटल आपके यूपी बोर्ड में प्रिस्क्राइब 7 है. आज वीडियो में जितने हो जाएंगे 3-4 उतना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. तो पहला अलंकार आपका सिंगली है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपमा. तो इसमें क्या होता है कि दो ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, असमान्य चीज़ें होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनका आपस में जो है कंपैरिजन होता है, और उनमें से कोई ऐसा एक बिंदु होता है जो कॉमन होता है. चलिए देखते हैं इसको. तो क्या होगा, सिमली सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच इन विच, सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट which two different things are compared having one point common, having one point common. तो ये तो बच्चों आपके डेफिनेशन हो गए. सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच, सिमली एक प्रकार का अलंकार होता है इन विच, जिसमें कि टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड, जिसमें कि दो भिन्न चीज़ों का कंपेरिजन होता है, हैविंग एट वन पॉइंट कॉमन, और उनमें जो एक बिंदु होता है वो समान होता है, हैविंग एटलीस्ट और अलग है तो और ज़्यादा बेटर होता है, एटलीस्ट हैविंग एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन, वन पॉइंट कॉमन. तो ये आपकी डेफिनेशन बन गई. अब इसका उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या है, इसकी पहचान में क्या होता है बच्चों की, जैसे लाइक है, सो है और एज, ये कंपेरिजन वाले वर्ड हैं. लाइक, सो, एज, ये कंपेरिजन के लिए इनका यूज होता है. तो जहाँ पर भी जिस भी फिगर ऑफ स्पीच में में लाइक, सो, एज आएगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि आप सिमली है, तो ये इसकी पहचान आइडेंटिटी होगी. तो
तो एग्जाम्पल इसका होगा, क्या होगा, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अब यहाँ पे देखो एक चीज बच्चों लाइफ हो गई और दूसरी चीज क्या हो गई, ड्रीम हो गई। तो दो चीजें टोटली डिफरेंट है, दो चीजें बिल्कुल भिन्न, लेकिन फिर भी हमें कंपेरिजन किया जाए और कंपेरेटिव वर्ड कौन सा है, लाइफ। तो जीवन क्या है, एक स्वप्न जैसा है। तो जैसे कि जीवन है, जीवन का भी होश छोड़ नहीं है, पता नहीं रहता है कि कब किसके साथ में क्या चीज हो जाए, कुछ पता नहीं रहता जीवन। तो ड्रीम है, ड्रीम में पता नहीं किस प्रकार के मन में आपके ख्याल आ जाए, किस प्रकार का आप स्वप्न देख लें, अब क्या क्या सोचने लगे, तो उसके बारे में भी किसी को अनभिज्ञता रहती है कि क्या हमने देखा, क्या हमने समझा, ये टोटल चीज़ें अनक्लियर होती है। तो जिस प्रकार से हमारी लाइफ अनक्लियर, इसी प्रकार से हमारे ड्रीम भी अनक्लियर होते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपके सिमिलर। मेटाफोर क्या होता है, मेटाफोर होता है रूपक। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सिमिली का लघु रूप होता है, कंडेस्ड फॉर्म लघु रूप, तो इसको इजीली वे में हम क्या बता सकते हैं, मेटाफोर, मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड और कॉन्साइज और सिमिली। जो मेटाफोर होता है वो कि सिमिली का क्या होता है, लघु रूप होता है, इन विच जिसमें कि इन विच द वर्ड्स लाइक, जिससे कि बट लाइक, सो एज लाइक आर नॉट यूज्ड। इसमें क्या होता है कि सो लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि सिंपली में होता है। तो मेटाफोर आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल इसका देख लें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे सीख लेंगे लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, जीवन एक स्वप्न है। तो इसी कौन सा इस फॉर्म हो गया, जीवन एक स्वप्न है। यहाँ पे देखो लाइफ जैसे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तो फिर ये क्या बना जाके आपका, ये आपका बना जाके मेटाफोर। तो बच्चों बस समझता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से आप लोगों को दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच। कल मैं इसके आगे से आपको पढ़ाना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।